सो हाय गाइस, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स के। तो स्पोर्ट्स टाइम आपका स्वागत। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं WTT चैंपियनशिप फाइनल्स के बारे में। तो जैसे मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि हमारे दो पैर है, हमारे एक मिक्स डबल्स का पैर और एक वुमेन्स डबल्स का पैर हमारा क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली यार, दोनों के दोनों हार चुके हैं और इसी के साथ भाई साहब, हमारे इंडिया का जो अभी कोई भी नहीं बचा उस कॉम्पिटिशन में। तो एक मतलब सैड सी चीज़ है। और अगर इनमें से एक कोई तो अगर विन कर जाता तो भाई साहब 95 ईयर्स का हमारा ड्रॉट खत्म हो सकता था। बिकॉज 95 ईयर हुए अब तक हमने मेडल नहीं लाया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो हमें एक मेडल तो मिल जाए। अगर हम सेमीफाइनल जाते तो कम से कम हमारा ब्रॉन्ज पक्का हो जाता, क्यों ऐसा टेबल टेनिस में ऐसा ही होता है। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है। बट यार वो भी हमसे नहीं हो पाया। बट आज देखो, अगर मैं मैचेस की बात करूँ तो जो हमारे कल हुए क्वार्टर फाइनल मैचेस, तो सबसे पहली बात करें तो सत्यन ज्ञानेश्वर और मनिका बत्रा का मिक्स में मैच था, वो हार चुके। जैसे मैंने बोला था वो जापान के 20 रैंक प्लेयर से हो रहा था, और ये इतनी बड़ी बात नहीं कि रैंकिंग में इतना कोई फर्क नहीं था। बट यार जो पिछला राउंड था ना, ये जो हांगकांग के फिफ्थ रैंक प्लेयर को हरा किया है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे इससे इसका क्या इतना लेन देन है। बट यार बहुत फर्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाता है यार। तो इसलिए यार इन्होंने ये मैच विन कर लिया है 11-5, 11-2। और जो पहले दो साइड इन्होंने जापान के प्लेयर ने विन किए थे, बट उसके बाद वैसे इंडिया ने थोड़ा कमबैक किया 11-7 से। बट एट द एंड ऑफ द डे फोर्थ सेट में उन्होंने मैच खत्म कर दिया 11-9 से। भाई साहब उन्होंने हमको हरा दिया, क्या ही कहूँ यार। मतलब पहले के दो सेट हमने बहुत ही खराब खेले यार, 11-5 और 11-2। यार ये मैच मैं देख नहीं पाया बिकॉज ये 12-1 बजे लग रहा था तब। मैं सुबह आपने जो वीडियो देखा होगा आज वो वीडियो में मैं अपना वीडियो बना रहा था, तो ये वाला मैच नहीं देख पाया मैं। बट यार हम हार चुके हैं। अगर स्टार्टिंग के दो सेट हम थोड़ा अच्छा खेलते तो शायद एक आगे के लिए होप होती, बट अब कुछ कर नहीं सकते यार, ये मैच हम हार चुके हैं। अगर मैं बात करूँ अगले वाले मैच की, जो हमारा मिक्स डबल्स का मैच था, अर्चना गिरीश कामत और मनिका बत्रा वर्सेस, मैंने इनको बोला था कि ये नेदरलैंड का पैर है, पर ये नेदरलैंड का नहीं है, लग्जमबर्ग का पैर है। और भाई साहब इसमें जो एक प्लेयर है, मुझे अभी उस प्लेयर का नहीं पता, एक 58 ईयर्स की इनकी एज है यार। मतलब सोचो फिर भी वो उन लोग ने उनको हमको हरा दिया, एक 58 ईयर्स की और एक नॉर्मल आई थिंक सो 24-25 ईयर्स की बंदी है। तो जैसे मैं बोला था उन्होंने इंडिया को हरा दिया है, वन साइडेडली हरा दिया 11-1, 11-6 और 11-8 से, तीनों सेट में हरा दिया है। ये वाला मैच मतलब क्या ही बोलूं मैं, मेरा काम भी हो चुका था, वीडियो अपलोड हो चुकी थी, फिर मैं यूट्यूब पर जाकर देखता हूँ तो इसका ब्रॉडकास्ट हो नहीं रहा था। फिर WTT ऐप में देखता हूँ उसमें भी कुछ नहीं स्कोर है, मैं लाइव पे चेक किया तो कुछ हो नहीं रहा था। और उसके बाद जब एक सेट खत्म हुआ और जब सेकंड सेट चल रहा था, तब वहाँ पे उस WTT ऐप में लाइव का ऑप्शन आया, तो फिर मैं लाइव में क्लिक करता हूँ तो मैंने साइनअप नहीं किया था, तो मुझे साइनअप करना पड़ा। फिर से साइनअप किया, साइनअप करने के बाद वो सेकंड सेट भी खत्म हो गया, और जब मैं थर्ड सेट के आई थिंक सो एक दो पॉइंट बचे थे, आई थिंक सो कुछ मेरे ख्याल से 9-7 ऐसा कुछ स्कोर था, उसके बाद मैं तब गया और 2 ही मिनट मैच देखने मिला और इंडिया हार गई वो मैच। पर चलो ठीक है यार, वो जो मतलब मुझे अच्छा लगा यार, मतलब जो सामने वाले प्लेयर थे वो जीता, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल लग्जमबर्ग कितनी छोटी कंट्री है, उसमें से अभी आप उनको एक कम से कम चैंपियनशिप का मेडल मिलेगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हमें मिलता तो भी अच्छा होता, पर क्या ही कर सकते यार, लिटरली हमारा मतलब अच्छा खेले यार ये दोनों, अर्चना गिरीश कामत और मनिका बत्रा। बट होप यार अगले कॉम्पिटिशन आएंगे, अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप आएंगे उसमें अच्छा करें। अगर हाँ, इसके अगर आप मैचेस के स्टैट्स पे देखोगे तो आपको साफ क्लियर समझ में आएगा हम उनके कितने उनके आई थिंक सो 33 पॉइंट्स थे और हमारे उसके आसपास भी नहीं थे, उनके हमारे उनसे आधे भी नहीं थे। तो मतलब फुल्ली डोमिनेट किया यार उन्होंने गेम। और अगर बात करूँ तो अर्चना गिरीश कामत थोड़ा अच्छा खेल रही थी, उसके जो फोर हैंड पे जो वो टेबल के कॉर्नर्स ढूंढ रही थी फोर हैंड स्मैश पे। अगर मैं मनिका बत्रा की बात करूँ तो मनिका बत्रा मुझे थोड़ी वीक लगी उनको, मतलब मैंने मैचेस तो नहीं देखा बट मैंने हाईलाइट देखा, उन्होंने हाईलाइट डाली है, उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, 4-5 मिनट की हाईलाइट है, आप देख सकते हो। और मतलब वो थोड़ा उनके अनफोर्स एरर ज़्यादा हुए मनिका बत्रा से। और अगर मैं सामने वाले प्लेयर की बात करूँ, जो 58 ईयर्स की लेडी थी ना यार, उन्होंने ज़्यादा इतना मेहनत वाला काम नहीं किया, उन्होंने सर्व की, वो मतलब ठीक ठाक खेल रही थी, मतलब मैं इतना बहुत मतलब उनके एज के हिसाब से तो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेल रही थी। और जो सामने वाली प्लेयर है जो उसकी पार्टनर थी, उसने बहुत अच्छा गेम खेला, वो जो स्मैशेस वाले काम होते हैं और जो एकदम मेहनत वाला काम होता है वो उसने किया। सर्विस उस 58 ईयर लेडी की बहुत ट्रेमेंडस थी, आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि वो 58 ईयर की, आप जरूर वो हाईलाइट देखना यार, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो बस यार अभी इतना रखते हैं आज छोड़ के लिए, बिकॉज अभी हमारा जो WTT चैंपियंस अभी होता है खत्म हमारे लिए। अब अगला जो भी कॉम्पिटिशन होगा, अगर मैं अगर भूल जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे इस इंस्टा आईडी पे मुझे
बता देना कि भाई अगला कॉम्पिटिशन जब भी होगा मैं कोशिश करूंगा इससे अपडेट रखने की, मतलब मैं मुझे आपको अपडेट करते रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर मैं चेक करता रहूँ WTT ऐप में कि कौन से कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, पर अगर मैं भूल जाता हूँ तो प्लीज़ यार इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे बता सकते हो। तो बस यार अभी इतना रहता है, छोटे को लगा कोई वीडियो चलिए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।